इतना की जर्नी के सभी साथियों को नमस्कार। आज मैं आप लोगों को एक पास के मिस्टेक हुए हैं उनकी टीचिंग के बारे में बताता हूँ, जो हम सब की चेतना की जर्नी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और हेल्प करेगी। इन मिस्टेक इतने विनम्र थे कि इन्होंने अपना नाम भी नहीं डिस्क्लोज किया। अपनी टीचिंग को उन्होंने कहा कि मेरे मरने के बाद ये टीचिंग पब्लिश हो अननेम्ड, और वो टीचिंग बाद में पब्लिश हुई। उस टीचिंग में उन्होंने अनेक बातों पे डिस्कस किया, लेकिन जो एक टॉपिक उन्होंने सबसे ज्यादा हाईलाइट किया, हर साधक को स्पिरिचुअल जर्नी में इस दौर से गुजरना पड़ेगा। उन्होंने कहा ये दौर ऐसा है जैसे बच्चों की बीमारी। हर बच्चा छोटे होता है तो उसको कुछ ना कुछ बच्चों की बीमारियां लगती हैं, दस्त, सर्दी लगी एंड सो ऑन। जैसे हर बच्चे को लगती है, ऐसे ही चेतना की जर्नी में हर बच्चे को, हर साधक को जिसकी जर्नी बच्चे से लेकर अगर बड़ों तक मैच्योर होने तक मानी जाए तो ये बीमारी लगती है। इस बीमारी को उन्होंने नाम रखा महत्वाकांक्षा। ये बीमारी इस हद तक नुकसान करती है कि जिसको लगती है उसको पता भी नहीं होता। चेतना की जर्नी को हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं डिफरेंट डिफरेंट स्तर पे। सिक्स्थ स्तर पे दो रास्ते जाते हैं, और अगर जिसने जो मेटीरियल का रास्ते का एक्सपीरियंस नहीं किया, अगर वो स्पिरिचुअल रास्ते पे चलने की कोशिश करता है तो ज़्यादा समय चल नहीं पाता। उसको आकर्षण, प्रलोभन और जो डिज़ायर हैं जो उसने फुलफिल नहीं की, उसका अट्रैक्शन उसको बांध देता है और वो वापस आ जाता है जर्नी में। इसी तरह इस जर्नी से पहले थर्ड फोर्थ फाइव स्टेप पे ये बीमारी, जैसे छोटा सा बीज है जब वो जमीन के अंदर होता है और उसमें अंकुरित निकलते हैं और पहली बार उसकी कोपलें जमीन के बाहर आती हैं, वो प्रकाश को देखती हैं और मैं जमीन के बाहर हूँ ये एक्सपीरियंस होता है, और वो बाकी बीज जो जमीन के नीचे हैं उसको अंदर दिखाई देते हैं जिनको वो प्रकाश नहीं देखा। इस एक्सपीरियंसेस को उस पर्सन की साधन चेतना के लिए इतना बड़ा होता है कि वो ये समझता है कि मैंने सब कुछ जान लिया, मुझे प्रकाश मिल गया, मैंने नॉलेज हो गई। अब वो उसकी महत्वाकांक्षा, प्रसिद्धि पाने की इच्छा उसको, और जो बीज है वो जमीन के अंदर वाले बीज को दिखाने की इच्छा कि देखो तुम तो अभी तक नहीं हो, मैं यहाँ पहुंच गया हूँ, इस बीमारी का जन्म देती है। ये बीमारी जब भी लगती है तो उसकी चेतना की जर्नी स्टॉप अगर ना भी कहें तो जर्नी, ये भी जर्नी का प्रोसेस है, इवॉल्व होने के प्रोसेस का ये भी हिस्सा है। लेकिन इस फेस में, जिस फेस में वो इस बीमारी में रहेगा, उसकी जर्नी में इवोल्यूशन का प्रोसेस है एक्सट्रीमली स्लो हो जाएगा। क्यों प्रोसेस इतना स्लो हो जाएगा? नॉर्मली जब वो प्रकाश देख पा रहा है, बाकी तो भी नीचे है। छोटा सा जो पौधा है, इस पौधे में अभी फल नहीं लगे, फूल नहीं हुए, सुगंध पैदा नहीं हुई, लेकिन उसकी ये मान्यता कि मैं पूरा एक वृक्ष बन गया हूं, उसको स्टॉप। ये पौधा अभी वीक है। जैसे पौधा हम लगाते हैं, उसको बाण लगाते हैं, उसको सुरक्षा देने के लिए, गाय ना खा जाए, कोई जानवर ना खा जाए, उसको पानी से, ज्यादा धूप से भी उसको सुरक्षा देनी पड़ती है, नहीं तो पौधा नष्ट हो जाएगा। सेम वे उसको अभी इस से हर चीजों से बचने की जरूरत है, उसको बचाने की जरूरत है, लेकिन वो प्रेजेंटिंग मोड में आ जाता है। इसकी वजह से वो अपनी जर्नी को एक्सट्रीम स्लो करता है। जब वो प्रेजेंटिंग मोड में होता है तो जस्टिफाई करता है अपने हर एक्शन को, अपनी हर थॉट को, अपने हर कॉन्सेप्ट को लोगों को बताने की कोशिश करता है। बिकॉज ऑफ दैट वो अपनी जर्नी भी स्लो करता है और लोगों की जर्नी को भी प्रभावित करता है। ये इस हद तक डेंजरस सिचुएशन है जो जिससे हर साधक को दो चार होना पड़ता है। देयर इज नो अदर वे। इस प्रोसेस के थ्रू सभी जाते हैं। तो उन मिस्टेक ने उस किताब में बोल्ड लेटर में लिखा कि मैं, मेरे अनजान दोस्तों, जब ये किताब आपके पास आए और आप इस दौर से गुजरें, बच तो नहीं सकते, लेकिन जितनी जल्दी आप इस दौर से बाहर आ सकें, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं उतनी जल्दी इससे बाहर आने की कोशिश करें। इस
आध्यात्मिक जगत में एक बहुत ब्यूटीफुल शब्द है धैर्य। तमस के लिए इस धैर्य शब्द को समझना मुश्किल है, लेकिन जो धैर्य है इसकी ब्यूटी आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे टाइमिंग। हर एक चीज की एक टाइमिंग, मैं मेरी बातों में अक्सर निकलता है कि जस्ट इन टाइम प्रोसेस, देखने का जो प्रोसेस है इट इज सो ब्यूटीफुल एंड इट इज है अनफोल्डिंग सो परफेक्टली जस्ट इन टाइम। अगर इंफॉर्मेशन समय से पहले जिस पर्सन के पास आ जाएगी वो उसको डिनाई कर देगा, अगर समय के बाद आएगी तो लेट आ जाएगी। एग्जैक्टली एट दैट मोमेंट जब उसका समय है, वो इंफॉर्मेशन आती है तो परफेक्ट टाइमिंग में वो फल देती है। इस केस में जब ये महत्वाकांक्षा या प्रसिद्धि पाने का जो बीमारी लग जाती है तो इंफॉर्मेशन जो धैर्य है वो धैर्य खत्म हो जाता है। इट इज वो जो टाइमिंग पे जो प्रोडक्ट होना चाहिए उसको, वो प्रोसेस को स्टॉप कर देता है पर्सन साधक अपने आप। एंड बिकॉज ऑफ दैट वो अपनी जर्नी को काफी समय तक उस लूप में फंसा कर रखता है, और ये लूप इस हद तक भी फंस सकता है कि उसको एक जीवन या अधिक जीवन लग जाए। महाभारत की बहुत अच्छी कहानी है, एक साधक जंगल में साधना कर रहा था, काफी समय से तप कर रहा था, तो एक बार ध्यान करते हुए उसके ऊपर कबूतर था, कबूतर ने बीट कर दी, तो उसके ध्यान भी एकदम से नींद खुली या ध्यान टूट गया, तो उसने ऊपर देखा तो कबूतर का जोड़ा था वो जल के नीचे गिर गया। तो फौरन सेम सिचुएशन कि मुझे बहुत सिद्धियां प्राप्त हो गई हैं, मैं ये हो गया, उसने साधना बंद करके वो शहर में या गांव में आया, तो उसने पहले घर में आवाज दी कि सन्यासी है, सन्यासी को भूख लगी है भोजन। वो अंदर से औरत ने आवाज दिया कि थोड़ा वेट कीजिए, मैं अपने ससुर की सेवा कर रही हूँ, आपको भोजन देती हूँ। तो उसने जोर से कहा कि साधु का अपमान करती हो, साधु को वेट कराती हो। औरत ने अंदर से जवाब दिया, मैं कबूतरी नहीं हूं कि आप शराब दोगे और मैं छपास पूछूंगी। देन दिस पर्सन रियलाइज कि ये तो मुझसे भी बहुत बड़ी साधिका है, ये तो मुझे बिना देखे हुए मेरे बारे में, मेरी कहानी के बारे में, मेरा सारा बैकग्राउंड उसको पता है। उस साधु ने उस औरत से पूछा कि मैं कहाँ से ज्ञान प्राप्त करूँ, और वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए आगे गया। इसका निकल शॉर्टकट और बता देता हूँ, जब पूछते पूछते वहां पहुंचा जहां उन्होंने कहा था कि वहां से ज्ञान मिलेगा, ही वाज श्योर कि वहां पे वो कसाई था, वो जानवरों को काटने वाला था, तो उसको लगा कि यहाँ कैसे ज्ञान मिलेगा, तो कसाई ने कहा कि तुम सही जगह, कोई भी काम ये सिर्फ एक काम है, सिमुलेशन ही तो है, वो जान जाएगा वो सिमुलेशन है। खैर, तो कहानी का जो फर्स्ट पार्ट है वो फर्स्ट पार्ट इस महत्वाकांक्षा की इस बीमारी के फेस को बताता है। इस फेस में जब भी कोई फंस जाता है तो उसका धैर्य खत्म हो जाता है। अगर वो थोड़ा सा धैर्य और रखता, अपनी जर्नी को 3, 4, 5 चेतना के जो स्तर में है इससे वो एक स्तर पे इससे पार होके निकलता, तो वो ट्रंप में विजयी होके निकलता, जैसा कि मैंने 7th कार्ड में बताया। इससे पहले की जर्नी जो है इसमें राजदंड है और अभी स्टेबिलिटी नहीं है, अभी पौधा जो है बहुत छोटा है, उस पौधे को बचाने का जो काम है वो काम अभी किया जाना है, लेकिन अगर वो ये काम नहीं होता तो ये पौधे के डिस्ट्रॉय होने की पॉसिबिलिटी या काफी समय तक इस में फंसे रहने की, इस लूप में फंसे रहने की संभावना बहुत बढ़ जाती। इस कार्ड को मैं आज क्यों डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि ह्यूमन कॉन्शियसनेस बहुत एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करने के फेस में है। सेंट्रल सन से जो एनर्जीज अर्थ पे आ रही है वो ह्यूमन कॉन्शियसनेस को एक्सट्रीमली फास्ट ग्रो करा सकती है। जैसे ही जो अंधकार का बीज था वो थोड़ा सा धरती के ऊपर आएगा, उसको प्रकाश दिखाई देगा, उसका इस स्पेस में फंसने के पूरे चांस, इसलिए मैं आपको इस समय पर बता रहा हूं। इससे पहले की जो साधनाएं थी मेरी जनरेशन से पहले, इससे पहले जो गुरुदेव थे वो सबको क्रिया योग की दीक्षा नहीं मिलती। आप सोचो कि वो एक ऐसा समय था जिसमें क्रिया योग की दीक्षा लेने के लिए भी एक एलिजिबिलिटी होनी चाहिए थी, उसमें एक तरह की विनम्रता और धैर्य का भाव होना चाहिए, तो उसको दीक्षा दी जाती थी सिर्फ इसलिए
कि अगर उसमें ये भाव नहीं है तो ये जो चेतना की जगने के लिए स्पेस में अटकेगा, इस भटकाव से बचाने के लिए उसको भिक्षा नहीं दी जाती थी। मेरी नॉलेज में मैंने कहा, सुना हुआ है उन लोगों से जिन्होंने ये घटना देखी है, कि दो भाई दीक्षा लेने आए, गुरुदेव ने एक को दीक्षा दी और दूसरे से कहा कि तुम 1 साल तक गीता का पाठ करो, फिर आना पढ़ने से तुम कि तुम दीक्षा के लायक हो कि नहीं। अब ये समय ऐसा है कि सबको दीक्षा मिल रही है, सेंट्रल सन से एनर्जी आ रही है, अर्थ की जो डेंसिटी है सॉलिड से अंधकार से प्रकाश की ओर जा रही है, देयर फोर स्पिरिचुअल जर्नी बहुत फास्ट। इस फास्ट जर्नी में जो इसको बाधा है वो आपकी इस फेस में, बच्चों की इस बीमारी के जो है इस फेस में फंसने की आपकी बाधा है। तो इस फेस को पहले से थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग, जब ये फेस आए या तो बिल्कुल ना फंसे क्योंकि बच भी सकते हैं आप, या इस फेस में ज्यादा कम से कम समय, बहुत थोड़े समय तक रखें जितनी जल्दी हो सके, महत्वाकांक्षा से बचें, जस्टिफिकेशन और साबित करने से बचें कि मेरा पक्ष सही है। ये अनंत ब्रह्मांड ने अनेक तरह की कॉन्शियसनेस पे अनेक लोग हैं, इसलिए अनेक रास्ते हैं, सिर्फ मेरा रास्ता मेरा ज्ञान ही सही है, ऐसा जस्टिफाई करने का जो ये दौर है जो चेतना के इस स्तर में रहता है, ये आपको नया सीखने से स्टॉप करता है। क्योंकि आप सोचते हो कि मैं तो जान गया हूं, जब आप ये जान यही सोचते हो कि मैं जान गया मैं दूसरों को बताऊंगा तो आप कैसे जानोगे, आप सोचो। और कम समय में बहुत बड़ा काम है, और महत्वाकांक्षा अच्छी बात है, स्पिरिचुअल महत्वाकांक्षा भी होनी चाहिए, लेकिन टाइमिंग बहुत है। ये वर्च्यूज है, ये वर्च्यू अगर हैं तो आपके पास परफेक्ट महत्वाकांक्षा है, अगर ये वर्च्यू मिसिंग है तो जल्दी से जल्दी पाने की इच्छा, नॉट ओनली जल्दी से जल्दी पाने की इच्छा, बेसिकली यहां पर स्थापित करने की इच्छा आपको स्टॉप करती है, एक्सट्रीमली फ्लो करती है। इस अंडरस्टैंडिंग से जब हम 6 कार्ड को पार करते हैं, 7th कार्ड के लिए विजयी होकर निकलते हैं, तो इस कार्ड के बाद उसके हाथ में इसके पहले की चेतना में जो भी इमेजेस हैं उनके हाथ में 3rd में 4th में 7th में राज दंड है, इस 8th कार्ड में राज दंड खत्म हो जाता है, उसके हाथ में तलवार है, ये तलवार से वो कंप्रोमाइज नहीं करता, कोई भी किसी तरह का कंप्रोमाइज कंप्रोमाइज पॉसिबल नहीं है दुनियादारी और स्पिरिचुअल के रास्ते में, लेकिन राह दंड हट गया। राह दंड क्या है? दूसरे डुअलिटी को ना समझना, दूसरे को सजा देना, दूसरे का अहित करने की इच्छा करना, स्पिरिचुअलिटी के नाम पे। आप देखो कि कितने लोग ये सोचते हैं कि डार्क को सजा क्यों नहीं मिलेगी, सबको असेंड क्यों होंगे, हम तो साधना कर रहे हैं, हम साधना कर रहे हैं तो हमें 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 असेंड होना चाहिए, उनको क्यों असेंड हो रहे हैं जो साधना नहीं करते। एंड सो बिकॉज ऑफ द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, अभी 20 है, वननेस का नहीं पता, 3, 4, 5, 6, 7 में कितना अटकी हुई है। नीट पे जो तलवार है ये तलवार अपने कंप्रोमाइज नहीं करती और अपने प्रीवियस एक्सपीरियंसेस को देखती है, उसकी जिंदगी में जो कड़वे एक्सपीरियंसेस हुए या जो सुख कार्य हुए उसमें से कौन से उसकी चेतना को एक्सपेंड करने में जिन्होंने योगदान किया, और जो यूजलेस थे उन तलवार से उन सबको काट के अपनी मेमोरी से हटा दिया। इस स्तर पे कॉन्शियसनेस रियलाइज करती है कि उसके जो दोस्त जिनको वो अच्छे दोस्त मानता था उनसे ज्यादा वो इवॉल्व हुआ उन लोगों से जो उसके लिए उतने हेल्पफुल नहीं थे लेकिन कॉन्शियसनेस की जर्नी में हेल्पफुल। मुंह के मीठे लोग, आपके बड़ाई करने वाले, प्रशंसा करने वाले जो लोग आपको अच्छे लगते थे, आप रियलाइज करोगे कि वो छोटी प्रशंसा वाले लोग थे, दे वर नॉट ट्रू, नाइदर ट्रू नॉर थैंकफुल, जस्ट वो आपका आप से फायदा उठाने के लिए वो झूठ बोलते थे, अनऑथेंटिक।
ये तलवार सिर्फ ऑथेंटिसिटी को सर्व कर सकती है, कि जो कॉन्शियसनेस की तलवार है। बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है, जर्नी को बहुत फास्ट करता है ये अंडरस्टैंडिंग। तो लेकिन इस अंडरस्टैंडिंग से वही वही कर पाएगा जो इससे पहले बीमारी, जो महत्वाकांक्षा की बीमारी है, इससे उबर पाएगा, नहीं तो वह हट जाएगा। यहाँ पे अगर इस महत्वाकांक्षा का चश्मा उसने अपनी आंखों पे लगा रखा है तो ये तलवार वाले स्तर पे पहुंच ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। दैट इज वाई ये हम सब का काम है कि हम इस उस किताब में लिखा कि मैं इससे ज्यादा हाईलाइट नहीं कर सकता, सेम वे मैं भी कहता हूं कि मैं इससे ज्यादा हाईलाइट नहीं कर सकता, इतना इम्पोर्टेंट है लो प्रोफाइल होना और ऑथेंटिक होना और अपनी चीज साबित, अपनी नॉलेज, अपना मेथड, अपनी कॉन्सेप्ट दूसरों को ऊपर थोपने से बचना। हर एक रिलीजन में, हर एक महापुरुष की टीचिंग का हिस्सा है कि एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता। लेकिन अब कलयुग का समय है तो आप देखोगे कितने सारे कल्ट, कितने सारे सेक्ट, कितने सारे सिस्टम हैं जो भ्रष्ट हैं। वाई इट हैपेंस? बिकॉज ऑफ दिस इवेंट। क्योंकि जिसने खुद खुद उस सत्य को प्राप्त नहीं किया, लेकिन उसकी कॉन्शियसनेस ने बस थोड़ा सा प्रकाश देखा और उसको सच मान लिया, और इस लिमिटेड हिस्से को ये मानकर कि मैंने सारा सच जान लिया, अपने माइंड के प्रोजेक्शंस को, अपनी रियलिटी को, और जो कुछ वो परसीव कर रहा है उसको ईश्वर के ज्ञान के रूप में प्रोजेक्ट करना, वेयर इज इट वॉज जस्ट द प्रोजेक्शन ऑफ माइंड। लेकिन वो डिस्टिंग्विश नहीं कर सकती कॉन्शियसनेस इस लेवल पे, उसके पास 8th लेवल की तलवार अभी नहीं है जो सत्य और असत्य को काट के अलग कर सके, ये लेवल नहीं है। इसकी वजह से वो अपने हर एक्सपीरियंसेस को ईश्वर का ज्ञान, ईश्वर का विजन मान के प्रमोट करता है। यही सच है, और ये सच उन लोगों को भी नुकसान करता है जो बिगनर हैं और सोचते हैं कि यहां से हमें ज्ञान मिल रहा है। यू अंडरस्टैंड? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऐसे है कि सत्य का एक टच एक बीच को ही, 1 से 2, 2 से 4, 8, 16, 32, ये सत्य का एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। लेकिन इसी तरह अज्ञानता भी अगर आप के पास नहीं है, लेकिन आपने अपने फॉलोअर बना लिए, उन फॉलोअर ने आगे 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 सेम भी, और जो इस तरह के फॉलोअर होते हैं उनका रास्ता इसलिए ब्लॉक होता है कि वो सोचते हैं कि कुछ कर रहे हैं। जो लोग कुछ नहीं कर रहे, कभी जिंदगी में समय आएगा कि वो सच की ओर चलेंगे, लेकिन अब जो कुछ वो कर रहे हैं उसको सच मान के अगर वो करते रहेंगे तो वो सोचेंगे यही रास्ता है, उनका रास्ता भी ब्लॉक होगा। सो महत्वाकांक्षा के इस कार्ड को जब भी आप में पहुंचे तो अपने आप को इस का बीमारी से जितनी जल्दी हो सके बाहर निकले, उसके बाद आपकी जर्नी बहुत फास्ट होगी। हम उस दौर में हैं जिसमें हमारे पास वेस्ट करने के लिए समय नहीं, इवेंट क्लोज हैं और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पॉसिबल है, पोटेंशियल है, और जो बाधा है उसमें वो आपकी महत्वाकांक्षा एक बाधा हो सकती है। तो ये आपको फ्री वार्निंग है, इसलिए अभी से विनम्रता का त्याग करें। और विनम्रता शब्द भी मैं एक बार और हाईलाइट करना चाहूंगा, विनम्रता हाथ जोड़ के सिर्फ थैंक यू कहना और आंसू बहाना, इमोशनल होना विनम्रता नहीं है। किसी की पूजा करना, शरण धो के पानी पीना विनम्रता नहीं है। विनम्रता भी जैसे धैर्य, धैर्य पैसिव नहीं, धैर्य एक्टिव एक्शन है, इतना प्योर है। एक्टिव एक्शन फॉर परफेक्ट है, ऐसे ही विनम्रता है। विनम्रता ये सब एक्टिविटी जो एक्शन है, उन एक्शन से आप हम मैं विनम्र हूं ये भाव पैदा कर रहे हो, दैट इज नॉट विनम्रता।
विनम्रता कुछ समय के साथ सीखने की परिस्थितियों के लिए और अपने धैर्य के टेस्ट अपने प्रति विनम्रता, जब ये गुण होंगे तो ये जो कॉन्शियसनेस का जो ये फेस है ये आपके लिए बहुत इजीली न्यू निकल जाएगा एंड दैट विल हेल्प यू एक्सट्रीमली ग्रो वेरी फास्ट, बिकॉज जिस रूप में फंसने का जो डर है उस डर से आप वो डर आप नहीं कम रहेगा, कम समय के लिए आप फंसेंगे एंड यू विल देन यू कैन इजली क्रॉस दैट लेवल जिसमें आपके हाथ में सच और असच को समझने की डिस्टिंग्विश करने की इतनी जो शार्प तलवार है कि उसमें फिर आपको आपको कोई फेक मार्क पर नहीं डाल सकता, बिकॉज यू हैव दैट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस टू दैट अंडरस्टैंडिंग कि क्या सत्य है क्या सत्य नहीं है, इसके पहले नहीं है। एंड देन इफ दैट जर्नी कंटिन्यूज आप देखोगे थर्ड फोर्थ फाइव चैप्टर में थर्ड फोर्थ फाइव टैरेट के स्तर पे चेतना के आउट ऑफ 22 ये बीमारी लिखने का डर है। सिक्स में अगर वो इसके पार होकर निकलता है, एट में तलवार, नाइन्थ में वो हेडमेट है, साधारण कपड़े पहने हैं, उसके हाथ में लालटेन है और लालटेन भी उसने अपनी जो चादर है या कंबल है उसके अंदर छुपा के रखी है। इस हद तक मेरे अंदर जो उसकी लालटेन है वो भी उसने छुपा के रखी है, ये भी लोगों को नहीं दिखाता। इस प्रकाश में वो खुद अपना रास्ता देखता है लेकिन लोगों को नहीं दिखाता। आप सोचो थर्ड फोर फाइव का स्तर सबको मैं बताऊं, मैं सबसे ज्यादा जानता हूं, और नाइन्थ में वो अपना जिस जहां से जो उसका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है जो प्रकाश है उसको भी उसने ढक लिया है क्योंकि वो जान गया जाता है कि ये मेरे लिए बाधा है, मेरी जर्नी में बाधा है। दैट इज लेवल 9, 10, 11 एंड 12 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अस, जिसमें हम ये जानते हैं कि हम ये जो ये माया है इसके पहले हम सिर्फ सुनते हैं, इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग करते हैं, 8 ऑनवर्ड समझना शुरू करते हैं क्या जरूरी है हमारे लिए, उसको रखते हैं जो यूजलेस है उसको हटाते रहते हैं, 9th में शांत होते हैं, तब हम इस ट्वेल्थ कार्ड की चेतना के समझने लायक होते हैं और 12th के बाद की जो जर्नी है उसमें उसको हम अपने जीवन में उतारते हैं। तो एक बार फिर वैसे तो बहुत बार कह चुका हूं कि जब भी ये बीमारी आए तो अपने आप को बचा के बीमारी में हम सावधानियां रखते हैं। मौसम आता है उससे पहले तो हम कहते हैं नवरात्रे आ गए, अब नवरात्रि के दिन अभी खत्म हुए हैं तो वेदर चेंज होता है, सावधानियां लोग रखते हैं। तो प्री वार्निंग है कि अगर आप इस फोर्स को पहले से जान जाएंगे तो आप इस फेज से इस बीमारी से बहुत आसानी से। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।